हाल ही में एक गांव में एक डरावनी कहानी हुई। ये गांव अपर्णा नदी के किनारे स्थित था, जहां एक पुरानी मंदिर भी था। मंदिर में एक भूत ने अपनी आत्मा बंधी रखी थी, जिसे सभी लोग डरावनी कहानियों के माध्यम से सुनते थे। एक रात गांव के एक नवजात बच्चे को लेकर उसके माता पिता भूत प्रशंसकों के साथ मंदिर गए। जब वे मंदिर में पहुँचे तो एक अद्भुत रोशनी देखी गयी। वे सभी चमकते हुए आँखों से देख रहे थे, जब एक आवाज आई, कौन है जो मेरे मंदिर में आया है? माता पिता और अन्य लोग भयभीत हो गए और दिखाई नहीं दिए। अचानक एक भूत की आत्मा सामने से निकली और उनसे बोली, तुम्हारी नवजात संतान मुझे यहाँ ले आया है। माता पिता बिलख रहे थे, लेकिन उन्होंने विराम रखा और उत्तर दिया, हाँ, हम उसे आपके दर्शन करवाने आए हैं। भूत ने मुस्कान की और कहा, अच्छा है, इसे मेरे साथ ले जाइए। माता पिता ने अपने बच्चे को उठाया और उसे भूत की आत्मा के साथ छोड़ दिया। उन्होंने देखा कि भूत और बच्चा अपर्णा नदी की ओर चले गए। जब वे नदी के किनारे पहुँचे तो भूत ने बच्चे को जल में उतार दिया। बच्चे की माता रोने लगी, लेकिन भूत ने मुस्कान की और कहा, तेरा बच्चा मेरा हो गया है, अब मैं और तू यहाँ कुछ नहीं कर सकते। उस रात उन्होंने ये देखा कि उनका बच्चा नदी में डूब गया और उसकी आत्मा गायब हो गई। वे रोने लगे और भूत के वचन पर खुद को दोषी मानने लगे। इस डरावनी कहानी से ये सबक सीखा जा सकता है कि हमें दूसरों की बातों पर विश्वास न करें और अगर किसी अज्ञात स्थान पर जाएं तो सतर्क रहें। डरावनी कहानियों को सिर्फ मनोरंजन के लिए ही मान लें और अपनी सुरक्षा को अपने हाथों में रखें।